नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जो धनु राशि के जातक हैं, जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा 9 नंबर राशि में बैठा हुआ है या उनका बोलता हुआ नाम धनु राशि को सिग्निफिकेट करता है, तो उनके लिए ये जो शनि का वक्र या गोचर हो रहा है वो इनके सेकंड हाउस यानी कि मारक स्थान, कुटुंब स्थान, वाणी के घर में और धन संपत्ति यानी कि हमारा जो बैंक बैलेंस है, ज्वेलरी है, उनके घर में हो रहा है। तो किस तरह के परिणाम मिलेंगे सभी के बारे में चर्चा करेंगे, साथ में ये देखेंगे कि भाई हम इसको कैसे फलित करें। क्योंकि देखिए, आप ये जानते हैं कि हम अकेले नहीं है धनुराशि के, हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं, तो उसमें और हम में भिन्नता क्या है। यानी कि अगर आप दो मित्र हैं, दोनों अगर धनुराशि के हैं, तो दोनों में जो है वो भिन्नता क्या है, यानी कि उसको क्या लाभ हो रहा है, मुझे वो नहीं हो रहा है, मुझे क्या हानि हो रही है, वो उसको नहीं हो रही है। तो इन चीजों को समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा अपनी दशा और अंतरदशा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे ही यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस, किताबों में, पंचांगों में पढ़ के ऐसे ही आंकड़े लगा लोगे भाई धनु राशि के लिए सेकंड हाउस में है, स्वराशि का है, धन वृद्धि करेगा, कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि आपकी जो दशा अंतरदशा है वो आज की डेट में आपको परिणाम दे रही है। यानी कि हमारा जो चल रहा आज की डेट में जो दशा अंतरदशा चल रही है, जैसे कि इस कुंडली के ऊपर हम उदाहरण देखते हैं, शुक्र की महादशा है और गुरु की अंतरदशा है। यहाँ पे अंतरदशा को आप टारगेट करिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये जो गोचर है वो 6 महीने का है, तो अंतरदशा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कोई भी अंतरदशा चल रही है, उसका मालिक जन्म कुंडली का शुभ ग्रह है, जैसे कि यहाँ पे गुरु जो है वो लग्नेश है, शुभ है, तो उसकी अंतरदशा चल रही है, इसका मतलब वो चौथे घर में स्वराशि का, इसका मतलब बहुत बढ़िया है। तो इसका मतलब हमारे लिए एक प्लस पॉइंट तो वैसे ही बना हुआ है। अब शनि भी स्वराशि का है, तो इसका मतलब हमारे को फायदा होगा। अगर हमारे, मान लीजिए कि यहाँ पे शुक्र में चंद्रमा चल रहा होता है और चंद्रमा 8वें घर का स्वामी है, और चंद्रमा मान लीजिए 8वें घर का स्वामी होकर 12वें घर में नीच का हो जाता है या 6ठे घर में बैठा होता, तो क्या होता, मानसिक परेशानियां, परिवार में जो है तनाव। तो इस तरह से आपको अपनी जन्म कुंडली में देखना है कि जो दशा स्वामी है मेरा, अंतरदशा स्वामी, वो कहाँ पे बैठा है, वो जन्म कुंडली का क्या योग कारक है या अयोग कारक ग्रह है। जब आप ये आंकलन लगा लेते हो तो आपको फिर बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो अब हम परिणामों का जानकारी लेते हैं और इसके उपाय को भी समझते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि आपको अगर लाभ के योग बनेंगे तो क्या क्या, देखिए धन भाव है, धन बढ़ेगा। शनि कंजूस है, खर्चा नहीं करता है, इसका मतलब क्या करेगा कि आप इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा करोगे, पैसे को इकट्ठा करोगे, आप शेयर हो, बॉन्ड्स हो, ज्वेलरी हो, इनमें इन्वेस्टमेंट करोगे। आप ये फिजूल खर्ची नहीं करोगे, शेयर बाजार, जुआ सट्टा, लॉटरी, इनमें इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। आप जो है वो जो चीजों में डायरेक्ट लाभ नजर आता है, जैसे कि गोल्ड खरीद लिया या सिल्वर चांदी खरीद ली, या आपने कोई जो है वो किसी कंपनी के शेयर बॉन्ड खरीद लिए, वो आपके लिए लाभ देगा, या आपने कोई हीरे जवाहरात खरीद ली, या आपने कोई FDR बना ली, तो यहाँ पे इस तरह की चीजों को दिखाएगा। यानी कि शनि यहाँ पे आपको लाभ देगा। वाणी के घर में है तो आपको जो है वो शालीनता आ जाएगी, आप शांति से, प्रेम से, एक तौर तरीके से बात करोगे, ऐसे नहीं है कि जोर जोर से चिल्लाना या फिर जवाब ही नहीं देना। शनि वैसे भी शांत है और यहाँ पे आने से शनि जो है वो बहुत सीधा और सरल हो जाता है, ये आपको लाभ मिलेगा। परिवार वृद्धि का भाव है, इसका मतलब परिवार में वृद्धि होगी, चाहे वो शादी के रूप में हो, चाहे संतान के रूप में हो, या फिर संतानों की शादियां हो, उसमें भी आपको लाभ मिलने का योग बनता है। दूसरा कि ये आपके शरीर में गले का भाव है, तो गले से संबंधित अगर कोई बीमारी है तो वो भी दूर होती है। यहाँ पे जो है वो जातक का मारक स्थान कहा गया, यानी कि मृत्यु तुल्य कष्ट। अगर किसी को हेल्थ में दिक्कतें हैं तो यहाँ पे आया हुआ शनि जो है वो कुछ ना कुछ हेल्थ में दिक्कतें जो है वो सॉल्व भी करेगा, ये भी यहाँ पे शनि का लाभ है। तो ये बहुत सारे लाभ होते हैं, एजुकेशन में, शिक्षा के क्षेत्र में, धन संपत्ति में, संतान में, हर तरह से आपको लाभ इस तरह के मिलेंगे जो मैंने बताया। साथ में यहाँ पे बैठा हुआ शनि अपनी तीनों दृष्टि से तीन भावों को देखेगा। एक अपने चतुर्थ घर में, तो आप क्या करोगे, कोई जमीन भी खरीद सकते हो, कोई प्रॉपर्टी या घर फ्लैट भी खरीद सकते हो, ये भी योग बनता है, या गाड़ी भी खरीद सकते हो, वहां पे भी आपको लाभ होने का योग बनता है। एक दृष्टि जो है वो 8वें घर में आती है, तो इसका तात्पर्य क्या है कि अचानक धन प्राप्ति के भी योग बनते हैं, लेकिन सेकंड हाउस में आया हुआ शनि कभी अचानक धन प्राप्ति की तरफ नहीं जाता है। तो आप जो है वो इंजीनियरिंग या जमीन से जुड़ा हुआ कोई कारोबार, जैसे कि जमीन से निकला हुआ कोई धातु है, जैसे सोना चांदी, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो आप, बहुत बढ़िया लाभ होता है। या अगर आपको कोई सिंचाई का कारोबार है उसमें भी लाभ हो सकता है। आप सैनिटरी हार्डवेयर का, या कोई ये जो लोहे, सरिया, ईंट, पत्थर, ये जो काम है इसमें भी आप रुचि रखें, इसका भी कारोबार करने के, उसके में भी आप लाभ लेने के योग बना सकते हो। 8वां अगर अचानक परेशानियों का, तो सेकंड हाउस में स्वराशि का है, अच्छी दशा चल रही है, इसका मतलब हमें लाभ होने के योग बनेंगे, हम जो है वो कहीं ना कहीं नहीं फंसेंगे और हमारी हेल्थ में भी दिक्कतें नहीं आएंगी।
और एक दृष्टि जो है वो आ रही है आपके लाभ घर में, यानी कि आपको 2 और 11 का योग बनता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, हमें लाभ हो रहा है। जो हमारी इच्छाएं है, जो हमारी डिजायर है, यानी कि हम चाहते हैं भाई शादी हो जाए, तो हो सकता है इस 6 महीने में शादी का योग बन जाए। आपने सोच रखा है कि भाई जो है हमारे को नौकरी लग जाए, तो हो सकता है ये शनि ये भी कर दे। तो इस तरह से आपकी जो इच्छाएं हैं वो फुलफिल करता है। ये सारे के सारे इसके अच्छे लाभकारी योग है। अब बात करते हैं कहानी के दूसरे पहलू, यानी नुकसान। देखिए, जिन लोगों की जन्म कुंडली में अशुभ दशाएं चल रही है, बहुत ही अशुभ चल रहा है, महादशा अंतरदशा दोनों अशुभ है, तो ये स्वराशि का जो शनि है वो स्वराशि का आपको नुकसान दे देगा। क्या क्या देगा, देखो। सबसे पहले तो आपका जो बैंक बैलेंस है, जो आपने इकट्ठा कर रखा है, वो आपसे खा जाएगा, वो आपसे जो है वो छीन लेगा। यानी कि चाहे वो दवाइयों में लग जाए, या गलत इन्वेस्टमेंट में लग जाए, या फिर अपने किसी रिलेटिव को देना पड़ जाए, वो हो सकता है। परिवार में कलह हो सकता है, परिवार वृद्धि की कोशिश कर रहे हो वो रुक सकती है, उसमें नुकसान हो सकता है। बार बार शादी में अड़चने आ सकती है, संतान के लिए भी अड़चने आ सकती है। दूसरा, गले से संबंधित बीमारी हो सकती है, और बार बार गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, और गुस्से में गाली गलौज करना या लोगों के प्रति हीन भावना, नीचता, ये यहाँ पे सबसे ज्यादा आ जाएगी यहां से। तो ये सब चीजों को दूर करने के लिए हमें कुछ उपाय करने चाहिए। यहाँ पे नुकसान क्या क्या हो सकता है, और शनि की जो एक दृष्टि चतुर्थ घर पे आती है, प्रॉपर्टी फंसने, प्रॉपर्टी के अंदर हम फंस जाए, या हमारे प्रॉपर्टी में विवाद हो जाए, ऐसा योग बनता है। 8वें घर में एक दृष्टि आती है, तो अचानक लंबी बीमारी, कोर्ट केस कचहरी में कोई पेनल्टी लग जाए, या हमारे को अचानक नौकरी से निकाल दिया जाए, या कोई उसमें भी कोई पेनल्टी लग जाए। मान लीजिए कि आपको कोई ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी, या ऐसी चीजों में अचानक नुकसान हो जाए, उसमें नौकरी, उसमें आपकी कोई पेनल्टी लग जाए, या आपके घर में कोई चोरी भी हो जाए, इस तरह के भी योग यहां पे बनते हैं। पछतावा, चोरी, तकलीफें। और एक दृष्टि लाभ घर पे आती है, तो लाभ हाथ, यानी कि हाथ में आया हुआ लाभ निकल जाएगा, यानी कि हाथ को आया मुंह को ना लगा, इस तरह से हो जाएगा। एकदम होगा कि काम बन चुका है, वो एकदम लास्ट टाइम पे मोमेंट पे कैंसिल हो जाएगा, या फिर ओवर डिले हो जाएगा। इसका कारण है यहाँ पे शनि की एक दृष्टि लाभ घर पे आने से। लाभ हमारी डिजायर है, हम चाहते हैं कि भाई ये काम हमारा 1 महीने में हो जाए, और वो 1 महीने में हो जाए तो हमारे लाभ प्राप्ति हो गई है। नहीं हो रहा, इसका मतलब हमारा लाभ का घर कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। तो यहाँ पे स्वराशि का है, फिर भी अगर अच्छी दशा नहीं है, तो इसके नेगेटिव परिणाम आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप अगर अशुभ परिणाम मिल रहे हैं, तो क्या उपाय करें? सबसे महत्वपूर्ण है, इसके जो बीज मंत्र होते हैं, उनके बीज मंत्रों का संपूर्ण संख्या का जाप करें, 23,000 आपको लाभ होगा। इससे संबंधित जो कुत्ते हैं, काले बेल हैं, और जो आपके भैंसे होते हैं, उनको आप खाने की वस्तुएं दें, जैसे कि तेल की रोटी, तेल के परांठे, या जो उड़द की दाल उसकी, उनको गेहूं में, या खड़, वो सब चीजें देने से उनको लाभ होता है। ये कुत्ते जो हैं उनको तेल का परांठा, या फिर तेल में बना हुआ आटे का हलवा खिलाने से भी आपको लाभ होता है। दूसरा, कि हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा करें, सुंदरकांड का जाप करें, हर तरह से हनुमान जी की पूजा करते रहिए, आपको लाभ रहेगा। दूसरा, कि सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप नेगेटिव कोई काम न करें, आप कहीं पे भी गलत इन्वेस्टमेंट न करें, आपके जो रिलेटिव हैं जिसे हम परिवार का समझते हैं, उनके साथ ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे कि हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। जैसे कई बार पड़ोसी, ऑफिस में काम करने वाला साथी, ऐसे लोग कई बार प्लान लेके आते हैं कि हम ये नया बिजनेस डालते हैं, इसमें बहुत अच्छा धन कमाएंगे, ये कमाएंगे, तो आप इनसे बचें, बहुत बढ़िया रहेगा, नहीं तो आप बड़े नुकसान में फंस सकते हो। तो आज का ये जो वीडियो था, उसको हमने पूर्ण रूप से समझाया। आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।